are doing well. So today I decided to randomly make a vlog because honestly speaking, how many things can I make YouTube videos about when I'm not putting makeup on my face every day, right? So आज का vlog ये है कि I am going to be going to an event today, which is हमारे family friends का की बेटी है, उनकी शादी है. So yesterday was the milad and this is what I have been really really occupied with. This shadi, because they're just like family to us, so हम literally हर रोज़ उनके घर जा रहे हैं. So today is the haldi, but the catch is that I forgot about the event. I was at work and now I am running super 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 late because the event starts in like 3 hours. I don't have my dress, I have not washed my hair, I haven't done anything, so I'm rushing to my mom's house to get my hair done, like wash my hair. Then I'm gonna go to Hania's sister, my friend Hania at work, her sister, to get my hair done. I probably want loose curls that could stay for a long while, maybe like a braid here, I don't know, let's see. And then after that I'm gonna go and get my makeup done. I mean, I'm gonna do my makeup myself. और बहुत minimalistic makeup करना है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करना. उसके बाद चेंज करना है और उसके बाद इवेंट पे जाना है. मसला ये है कि मिर्ज़ा भी इवेंट भूल गया था, कि मतलब टाइमिंग हम भूल गए थे. हमें पता था इवेंट है लेकिन हम सोच रहे थे कि रात में 8-9 बजे. मिर्ज़ा भी इवेंट भूल गया था, तो मिर्ज़ा ऑफिस में और वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकेगा. तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन लेके जाएगा, बिकॉज माई मॉम इज़ गोना गो एट हर टाइम, माई डैड इज़ गोना गो, आई डोंट नो इफ माई डैड इज़ गोना गो, बट लाइक एवरीबडी इज़ गोइंग एट देयर ओन टाइम्स. एंड बिकॉज वो मरियम जिसकी ये इवेंट है, शी इज़ ज़ैनब्स बेस्ट फ्रेंड, Zainab is already out running errands. So I don't know what's going to happen, but I'm just about to reach home. और घर जाने के बाद मैं देखूँगी कि क्या सिचुएशन कैसी बनती है, क्या किया जा सकता है आगे, क्या करना है किस तरीके से. बट देन अभी अभी बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि let's just make a vlog out of it, because I was going to vlog all her शादी events, but it did not, like I did not consider कि मैं एक event भूल जाऊँगी. So I called my dad as well and I was like, listen dad, I am at work, I forgot this event, can you please send someone to pick me up? And that's when my dad sent a driver. मतलब दिमाग ही नहीं चलता. I'm juggling with so many things right now, you guys have no idea, कि मैं बस चीज़ें मैं भूल जाती हूँ. मेरी literally दिमाग में short term memory है. Even when kids come to me जो counseling के लिए, तो मैं उनसे कहती हूँ मुझे बताना हमारी लास्ट क्या बात हुई थी, वो हल्का सा मुझे रीकैप देते हैं तो मुझे चीज़ें याद आती हैं. इट्स इनसेन. एंड आई एम सॉरी कि कैमरा इतना हिल रहा है, बिकॉज आई एम इन द कार राइट नाउ. अम्मा मैं चली गई हूँ यार, अब छोड़ दे, मैं कर लूँगी, मैं चली गई हूँ. व्हाट द फक आर यू डूइंग? अपडेट. सो व्हाट इज गोइंग ऑन इज राइट नाउ दैट ज़ैनब इज इन अ क्राइसिस. ए, जिस गाड़ी में मैं आई थी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही. बी, हम किसी तीसरी गाड़ी के अंदर जा रहे हैं. एंड नाउ चेंज ऑफ प्लान्स, आई एम नॉट गोइंग टू हनियाज़ सिस्टर टू गेट माई हेयर डन. इंस्टेड आई एम गोइंग होम टू गेट माई मेकअप डन. वंस माई मेकअप इज सॉर्टेड, आई डोंट नो हु, बट समवन विल पिक मी फ्रॉम माई ससुराल, ड्रॉप मी बैक टू होम, वेयर मॉम इज़ गोइंग टू डू माई हेयर, एंड देन आई एम गोइंग टू डू माई क्लोथ्स. एंड उसके बाद फिर मैं वहाँ से वहाँ से मैं इवेंट पर जाऊँगी. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, लेट्स सी. या दैट्स अबाउट इट. ओके गाइस, सो आई हैव फाइनली रीच्ड होम और अब मेरा गेम प्लान ये है कि मैं जाके जो है वो नहाऊँ. नहाने के बाद मैं, दिस इज आई लुक हॉरिबल, लाइक लिटरली दिस इज हाउ आई लुक. नहाने के बाद जो है मैं लेंसेज शेंसेज पहनूँ, थोड़ी तैयारी शैयारी पकड़ूँ फॉर द इवेंट, एंड देन आफ्टर दैट लेट्स सी व्हाट आई डू. This is how my hair dries. I have pretty much done my makeup and I'm at my mom's. My mom is going to do my hair and I'll show you the process. It's not looking great because the tailor has made it too loose. अब मैं इतनी भी पतली नहीं हूँ कि मेरा outfit loose बन जाए. Mom is going to fix it. Let's see what's going to happen. I have no clue. I don't even know. I am finally heading to the venue और मैं आपको वहाँ पर जाके दिखाती हूँ क्या सीन है. This is like my outfit. I'm going to show you the whole outfit. But issue is के बस tailor ने सब कुछ बहुत ढीला सी दिया, बहुत बुरा सिया है. I don't know. लाइक ये मेरी इंगेजमेंट का आउटफिट था, इसकी सिर्फ मैंने चोली बनवाई थी और चोली भी उसने ख़राब कर दिया, कमीना आदमी ने.
So I don't know what's going to happen. I'm going to show you the whole look. Look at this. Look how pink this is. And so beautiful. You can literally take a picture at every corner. These are the lovely bride and groom. And that's Shazil. Hi. Look at the bride. And the best friend. Best friend. Best friend. Best friend. Mirza is finally here. Yeah. And we're super tired. Like we're dying. We're so tired.
because he came directly from work. I literally had no break. I was just from work, I was running here and there, but yeah. What? You don't have to do this, it's your blog, whatever. Yeah, still, I'm not really comfortable with. Oh, by the way. Hejat is just chilling. Milad is trying to chill but not chilling. Those guys are chilling. He's working. Up next. She wants to sing more now. Yeah, Antara gaate. ये कुछ और गा लें जब आता है जी भर के देख ली जी जी